हेलो बच्चों, लेट्स सीट द क्वेश्चन। कैन वी कंडक्ट अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, दैट इज गिवन एज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारी एक्सिलरेशन जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी डैश, और जी डैश अगर जीरो है तो हमारा टाइम पीरियड विल टेंड टू इंफिनिटी। और अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड इंफिनिटी है, इसका मतलब होता है कि उसमें ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक कभी भी एक ऑसिलेशन पूरा नहीं करेगा। सो टाइम पीरियड इज इंफिनिटी मींस देयर इज नो ऑसिलेशन। और अगर ऑसिलेशन होगा ही नहीं तो वी कैन नॉट कंडक्ट अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देयरफॉर वी कैन नॉट कंडक्ट सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो दिस वॉज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।